ब्रॉक लेसनर WWE के बीस्ट जो WWE यूनिवर्सल चैंपियन के साथ UFC चैंपियन भी रह चुके हैं। ब्रॉक लेसनर जैसा दिखते हैं WWE के अंदर वैसे वो बिल्कुल नहीं है। उनके कैरेक्टर को ही WWE में इस तरह का बनाया गया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल और इनके रिलेशनशिप के बारे में जो शायद आप ना जानते हो, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आमिर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल का पूरा नाम रेना मार्लेट ग्रीक है। ये एक WWE के वुमेन डिवीजन की फीमेल सुपरस्टार भी रह चुकी हैं। इनकी मुलाकात WWE में ही हुई थी साल 2003 में जब सेबल WWE में आई थी। इसके अलावा सेबल एक मॉडल भी रह चुकी हैं। ब्रॉक लेसनर अंदर से एक साधारण व्यक्ति हैं जो रिंग के अंदर एक बीस्ट पर रिंग के बाहर एक अच्छे इंसान जो हर कोई रेसलर होता है। इन्होंने 2006 में सेबल से शादी करने के बाद अपने निजी जिंदगी और रेसलिंग को अलग रख दिया और दोनों साथ रहने चले गए ब्रॉक के परिवार के बीच, और सेबल ने तब से रेसलिंग भी छोड़ दिया और ब्रॉक के साथ रहने लगी। सेबल ने WWE को 1999 में छोड़ दिया था यह कह के कि यहाँ यौन का शिकार होती हैं कई फीमेल सुपरस्टार। इस बात को लेकर उन्होंने मुकदमा भी किया था WWE के ऊपर, पर यह बहुत हद तक गलत साबित हुआ था और ये बात 2001 में ख़त्म हो गया था। सेबल एक फेमस फीमेल सुपरस्टार थी जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा होता था, और सेबल के जाने के बाद कंपनी में फीमेल डिवीज़न में अधूरापन आने लगा था। विंस मैकमैन ने सेबल को WWE में लाने का फैसला किया और 2003 में सेबल WWE में वापस आ गई। ब्रॉक लेसनर और सेबल का रिश्ता टूटने वाला था 2005 में जब ब्रॉक ने WWE को छोड़ने का फैसला किया था। तब सेबल भी WWE में ही फीमेल रेसलर थी, तब इनके बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दी जब ब्रॉक WWE में ज़्यादा नहीं दिख रहे थे। अपने बीच की दूरी को देखते हुए दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया और 6 मई 2006 को शादी कर ली, और दोनों आज भी एक साथ बहुत खुश हैं। इनके 4 बच्चे भी हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सेबल ने 3 शादियां की है और इनसे 10 साल छोटे तीसरे पति हैं इनके ब्रॉक लेसनर। बोलते हैं ना, प्यार उम्र को नहीं देखता है, वैसा ही इनका प्यार था। इन्होंने 3 साल तक एक साथ काम किया और फिर 2006 में शादी कर ली। सेबल ने अपनी पहली शादी 1986 में वेन रिचर्ड से की थी। हालांकि वेन रिचर्ड की 3 साल बाद एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद सेबल ने 1994 में मार्क मेरो रेसलर से शादी की, पर कुछ कारण की वजह से इनका रिश्ता चल नहीं पाया और इनका 2004 में तलाक हो गया। फिर सेबल ने अपने से 10 साल छोटे ब्रॉक से शादी की जो अब तक कायम है। सेबल की अपने पहले पति से एक बेटी थी जिसकी परवरिश ब्रॉक सौतेले पिता के रूप में कर रहे हैं। तो ये रही ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल से जुड़ी कुछ बीती हुई बातें जो आपको इस वीडियो से पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।